हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ प्रिया राज, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कोच, और आपसे आज बात करेंगे। दिवाली सीजन आ रहा है तो इसीलिए कुछ ना कुछ फेस्टिव टिप की बात करेंगे, लेकिन दिवाली से पहले आ रहा है धनतेरस। तो धनतेरस पे आप ऐसी कौन सी खास चीज करें जिससे आपके घर में आए खूब बरकत। और धनतेरस पे एक स्पेशल चीज करी जाती है जिसको बोलते हैं यम का दिया। तो यम के दिए के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वो क्या होता है, क्यों जलाया जाता है। लेकिन उससे पहले आज का राशिफल जानते हैं, कैसा रहेगा आपका आज का दिन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1 से। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 1। आपका जो कार्ड आया है वो लेकर आया है न्यू विजन। आपका कार्ड इंडिकेट करता है कि आज के दिन आप नए सिरे से चीजों को देखेंगे। आप शायद कुछ नया काम की शुरुआत भी कर सकते हैं आज के दिन। आज का दिन आपके लिए लेकर आ रहा है एक छोटी सी प्यारी सी नई अपॉर्चुनिटी। दिस कैन बी वर्क चेंज ऑल्सो, होम चेंज ऑल्सो। शायद आप बहुत समय से घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, घर की प्लानिंग कर रहे हैं कि नए घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आज का दिन आपको शायद वो अपना ड्रीम हाउस मिल भी सकता है या पसंद भी आ सकता है। तो आज के दिन अपने घर की सर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप जरूर जाइएगा। घर की सर्च करेंगे तो आपको उसमें आज काफी लाभ है, फायदा है, अपनी पसंद का घर मिलने की काफी चांसेस है। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 2। अगर आपका बर्थडे होता है 2, 11, 20 और 29 ऑफ एनी मंथ, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 2। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है कंप्लीशन कार्ड। ये कार्ड लेकर आ रहा है बहुत सारी गुड न्यूज और एक इंडिकेशन कि दिस इज द टाइम टू कंप्लीट योर लाइफ, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट जो आपने अपने बारे में सोच रखा है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, सिंगल है, तो अब वो समय आ गया है। ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आज उस टॉपिक के बारे में आप बहुत अच्छे से, बहुत खास तरीके से सोचिए, क्योंकि वो शायद एग्जीक्यूट हो सकता है। आप मैनिफेस्ट कीजिए आज के दिन अपने पार्टनर के बारे में, अपनी आगे लाइफ की एस्पिरेशंस और गोल्स के बारे में। आज की करी हुई मैनिफेस्टेशंस आपको जरूर वर्क करेंगी, जरूर फल देंगी, तो डू मैनिफेस्ट। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 3। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 3। आपके लिए कार्ड आया है लवर्स कार्ड। आज बहुत ही स्पेशल डे रहने वाला है आपके लिए। आपके लव्ड वंस या आपका जो स्पेशल समवन है आपकी लाइफ में, वो आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कुछ करेगा जरूर या करेंगे जरूर। तो आज का दिन आप वो इंतजार में रहिए, कुछ प्यार भरा गिफ्ट आ सकता है, कोई प्यार भरी न्यूज आ सकती है। तो नंबर 3 वालों के लिए आज है बहुत ही लकी डे, प्यार भरा दिन है। तो जितने भी आपके लव्ड वंस हैं उनसे आज आप टच में रहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल आज जरूर होने वाला है। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 4। अगर आपका बर्थडे होता है 4, 13, 31 एंड 22 ऑफ एनी मंथ, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 4। आपके लिए कार्ड आया है ब्रेक थ्रू कार्ड। बहुत समय से या कुछ दिनों से आप शायद एलर्जी से गुजर रहे हैं या बीमारी से गुजर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन कह लीजिए, या थोड़ा एनवायरमेंट चेंजेस की वजह से कह लीजिए, मौसम बदल रहा है, आपकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रह रही। तो आज के दिन आप काफी बेटर फील करेंगे। आपकी हेल्थ जो इतने दिनों से ठीक नहीं है, वो आज आपको थोड़ा सा तंग नहीं करेगी, तो आपको काफी बेटर फील होगा आज के दिन। तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, किसी भी एज ग्रुप के हो आप, हेल्थ पे फोकस करना इज योर प्राइम कंसर्न टुडे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्थ अपनी ठीक नहीं लग रही है, तो प्लीज डू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाइए, घर पे अपने खुद के इलाज ना कीजिएगा, उनका कोई फायदा नहीं होगा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 5। अगर आपका बर्थडे होता है 5th, 14th एंड 23rd ऑफ एनी मंथ, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 5। आपके लिए कार्ड आया है अवेयरनेस कार्ड। थोड़ा सा आप अपने शेल से बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आप बहुत समय से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सुबह का जो रूटीन है आपका वो बहुत समय से सेट है,
उस कंफर्ट जोन को ब्रेक कीजिए आज एंड कुछ डिफरेंट कीजिए, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि एक तो आपको काम में तरक्की बेटर आएगी, आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ बेटर होंगे क्योंकि शायद आप कुछ अलग करेंगे तो वो लोगों को भी पसंद आएगा। आपका जो स्टाफ है, जो वर्किंग स्टाफ है, उनके साथ में भी थोड़ा डीलिंग अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा बेटर वे में कीजिएगा, उनको भी काफी अच्छा लगेगा। शायद आप उनके साथ भी, एक बड़ा मोनोटोनस बिहेवियर है आपका जिसमें आप उनके साथ डील कर रहे हैं, तो उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 6, अगर आपका बर्थडे होता है 6th, 15th and 24th ऑफ एनी मंथ तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 6 यानी कि मूलांक 6। आपके लिए कार्ड आया है थोड़ा सा कॉन्शियसनेस कार्ड। थोड़ा सा आज आप मेडिटेट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा माइंड क्लटर्ड रहेगा, थोड़ा सा माइंड परेशान रहेगा, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब्ड रहेगा। इस डिस्टर्बेंस को हटाने का एक ही तरीका है कि कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस पे जाइए, थोड़ा सा पाठ पूजा की तरफ अपना ध्यान लगाइए आज। नहीं तो मेडिटेट कर सकते हैं तो मेडिटेट जरूर कीजिए। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो कोई भी पूजनीय स्थल पे जाके थोड़ा दान कीजिए, थोड़ी देर वहाँ बैठिए, थोड़ा सा वहाँ बैठ के समय बिताइए, तो आपको खुद वो डिफरेंस रियलाइज होगा, आपको खुद अच्छा फील होगा कि आपने आज कुछ अच्छा किया है, कुछ डिफरेंस किया है, तो फिर इसलिए वो चीज़ जरूर ट्राई कीजिए। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 6, अगर आपका बर्थडे होता है 6th, 15th and 24th ऑफ एनी मंथ तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 6 यानी कि मूलांक 6। आपके लिए कार्ड आया है थोड़ा सा कॉन्शियसनेस कार्ड। थोड़ा सा आज आप मेडिटेट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा माइंड क्लटर्ड रहेगा, थोड़ा सा माइंड परेशान रहेगा, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब्ड रहेगा। इस डिस्टर्बेंस को हटाने का एक ही तरीका है कि कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस पे जाइए, थोड़ा सा पाठ पूजा की तरफ अपना ध्यान लगाइए आज। नहीं तो मेडिटेट कर सकते हैं तो मेडिटेट जरूर कीजिए। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो कोई भी पूजनीय स्थल पे जाके थोड़ा दान कीजिए, थोड़ी देर वहाँ बैठिए, थोड़ा सा वहाँ बैठ के समय बिताइए, तो आपको खुद वो डिफरेंस रियलाइज होगा, आपको खुद अच्छा फील होगा कि आपने आज कुछ अच्छा किया है, कुछ डिफरेंस किया है, तो फिर इसलिए वो चीज़ जरूर ट्राई कीजिए। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 7, अगर आपका बर्थडे होता है 7th, 16th and 25th ऑफ एनी मंथ तो आप हैं मूलांक 7 न्यूमरोलॉजी नंबर 7। आपका कार्ड थोड़ा सा रेबेलियस आया है, शायद थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट ज्यादा होगी, घर वालों के साथ भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, या अगर आप अपने वर्क प्लेस में है तो वहां पे भी हो सकती है। इसका मेजर कारण ये है कि आप बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड हैं, तो आपको अपनी बात ही बिल्कुल ठीक लगती है। वो कहीं कहीं ना कहीं सही भी है कि आपको लगता है यू आर ऑलवेज राइट, लेकिन आपके लिए जो सजेशन कार्ड आया है वो यही कहता है कि थोड़ा सा दूसरों की भी सुनिए, थोड़ा सा दूसरों की सुनेंगे तो आपको उसमें ज्यादा लाभ है। आप आई अग्री कि आप 7 नंबर पीपल बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उनको हर चीज की डिटेल में जाना बहुत पसंद होता है, बहुत मजा आता है, लेकिन 7 नंबर पीपल अगर बड़ों की एडवाइस लेते हैं, जो स्पेशली अपने फादर की, अपने मदर की, पेरेंट्स की, अगर जब वो एडवाइस लेते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो जितने भी 7 नंबर लोग हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजी नंबर 7 टोटल है, वो आज के दिन प्लीज़ एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, सिर्फ अपनी बात ऊपर रखने के लिए कोई गलत डिसीजन ना ले लीजिएगा, तो प्लीज़ लिसन टू योर पेरेंट्स। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 8, अगर आपका बर्थडे होता है 8th, 17th and 26th ऑफ एनी मंथ तो फिर आप हैं मूलांक 8 शनि के नंबर। आपके लिए आज सक्सेस कार्ड आया है, अप्रिसिएशन मिल सकती है आपको ऑफिस में भी, घर पे भी। कोई ऐसा काम है जो आप कंप्लीट करेंगे जिसमें आपको आज बहुत तारीफ मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे तो आज पूरा दिल लगा के काम कीजिए, उसकी अप्रिसिएशन आपको बहुत मिलने वाली है। साथ ही साथ कोशिश कीजिए, ये मैं हमेशा 8 नंबर वाले लोगों के लिए बोलती हूँ कि जब भी आप कोई हैंडीकैप व्यक्ति देखते हैं या अपने से लेस प्रिविलेज इंसान देखते हैं, तो रोज कुछ ना कुछ अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ उनके हाथ में आप जरूर रखिए। स्पेशली हैंडीकैप लोग देखते हैं, आप कोई ब्लाइंड देखते हैं, ब्लाइंड पर्सन, तो उनकी मदद तो आप जरूर कीजिए। आप देखेंगे कि आपके कितने लाइफ से कष्ट कम हो जाएंगे, कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, एंड ये आपको ओवरऑल आपकी लाइफ में स्मूथनेस लेकर आएगा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 9, अगर आपका बर्थडे होता है 9th, 18th and 27th ऑफ एनी मंथ तो आप हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 9। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है एडवेंचर कार्ड। कुछ नया करने वाले हैं आज, आप कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, शायद फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएंगे, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, ये कार्ड ट्रैवलिंग भी दर्शाता है।
तो अगर आप कुछ समय से सोच रहे हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो आज का दिन काफी अच्छा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। आज आप अपने ट्रैवलिंग प्लान जरूर बनाइएगा, अपने ट्रैवलिंग गोल जरूर बनाइएगा। ये वर्क ट्रैवल भी हो सकता है, प्लेजर ट्रैवल भी हो सकता है। तो आई डू सी ट्रैवलिंग ऑन द कार्ड्स। तो आज के दिन आप अगर कोई जर्नी प्लान करेंगे तो वो काफी सक्सेसफुल होगी। अगर वर्क जर्नी के लिए आज आप जाते हैं तो उसके आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो ये था आपका आज का राशिफल। अब बात करते हैं आज की स्पेशल टिप ऑफ द डे की। तो धनतेरस आ रहा है और धनतेरस की बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि आप अपने घर के द्वार पे चार मुखी दिया जरूर जलाएं। चार मुखी दिए का मतलब होता है दिया जिसके चार मुंह होते हैं, फोर साइड्स। ये दिया जलाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस दिए में आप तेल के साथ में चावल के दाने रखें और इसे आप अपने घर की मेन एंट्रेंस के बाहर जलाएं, मेन डोर के बाहर। इसको बोला जाता है यम का दिया। ये इसलिए जलाया जाता है कि आपके घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु ना हो, आपके घर में कोई भी बीमारी से या कोई भी अनटाइमली डेथ ना हो। ऐसा माना जाता है कि यम का दिया जलाने से घर में बीमारी, अगर कोई बहुत समय से बीमार है तो उनकी बीमारी कम हो जाती है और आपके घर में अनटाइमली डेथ नहीं होती। ये दिया आप पूरी रात जलाएं, घर के बाहर जलाएं और नेक्स्ट डे इस दिए को, वो जो मिट्टी के बर्तन में आप जो अर्दन पॉट में दिया जलाएंगे, उसको आप पीपल के पेड़ के पास परवाह कर दीजिए, नहीं तो फिर जाके किसी भी गार्डन में मिट्टी में जाके उसको दबा दीजिएगा। उसको प्लीज फेंकेगा नहीं, डस्टबिन में मत फेंकेगा, उसका अनादर मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारी रिलीजियस चीजें इनको रिस्पेक्ट के साथ में ही रखना चाहिए, तभी फायदा देगा। तो ये था आज का राशिफल आज की स्पेशल धनतेरस की टिप के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टिप के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ।